जेल थीफ एस्केप। केशव गिरी नाम के एक शहर में एक बहुत बड़ा जेल था। उस जेल में पहरा काफी सख्त था, फिर भी कुछ कैदी वहां से भागने में सफल हुए। तब एक दिन अपने डिपार्टमेंट के मीटिंग में डीजीपी दूसरे अफसरों से, देखिए केशव गिरी जेल अपनी सुरक्षा और बंदोबस्त के लिए काफी मशहूर है, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कैदी यहाँ से भागने में सफल हो गए। अगर इसे रोकने के लिए हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो अपनी बेइज्जती होगी। तब उनमें से एक अफसर, सर इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, कहकर उसने कुछ समझाया। उस प्लान को सुनकर डीजीपी, गुड, आप सब तुरंत इसको अमल में लाएं। ऐसा कहा। उसी शहर में बिल्ला और रंगा नाम के चिंदी चोर रहते थे। वो दोनों रेलवे स्टेशन में जेब काटते थे और सड़कों पर मोबाइल फोन छीनते थे। एक दिन पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और उन्हें केशवगिरी जेल में डाल दिया। केशवगिरी जेल का जेलर था आशुतोष, उसे सब बेईमान जेलर कहते थे। एक दिन सब कैदी जेल के प्रांगण में काम कर रहे थे कि तभी बिल्ला रंगा से, यार कुछ भी हो आज रात को ये जेल तोड़कर हमें भागना होगा। तब रंगा, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है। रात को दोनों जेल के दीवार फांदकर भाग रहे थे कि तभी भीम नाम के संतरी ने बिल्ला के टांग पकड़कर नीचे खींचा। बिल्ला ने रंगा का टांग पकड़ा हुआ था तो दोनों धड़ाम से नीचे आ गिरे। उन दोनों को जेल में डालकर भीम, तुम दोनों मामूली चोरी के लिए जेल आए हो, तुम दोनों कुछ ही दिनों में छूट जाओगे। अगर फिर से जेल से भागने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ लंबे समय तक रहना होगा। खबरदार, अगर ऐसा हुआ तो 10 साल तक तहखानों में तुम्हें सजा भुगतनी होगी, सोच लो, कहकर चला गया। तब बिल्ला रंगा से, अरे यार हम तो कोई भी दीवार चढ़कर फांदकर भाग जाते हैं, लेकिन हमसे ये दीवार चढ़ा नहीं गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भागने में जेल के अंदर ही कोई इनकी मदद करता है। उस तहखाने के ऊपर ही जेलर का कमरा है, किसी तरह हमें उस तहखाने में जाना होगा। अगले दिन रात को फिर से वो जेल की दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे कि तभी जेल के अंदर से कुत्ते आकर उनका पैर दबोचकर उन्हें नीचे खींच लिया, फिर उन पर झपट कर काटने लगे। तब वहाँ पुलिस गार्ड्स पहुँचे और इन दोनों को तहखाने में डाल दिया। कुछ देर बाद उन्हें जेलर के कमरे से आवाजें सुनाई देने लगी। उस शहर का नेता जेलर आशुतोष से, हुई, हमने जैसा प्लान किया है कल रात को गब्बर को जेल से छुड़ाना होगा। वो जाकर बैंक लूटेगा और फिर जेल में आके बैठ जाएगा, तब किसी को गब्बर पर शक नहीं होगा क्योंकि वो जेल में है। आशुतोष, देखे साहब ये आखिरी मौका है, दोबारा नहीं करूंगा। अरे हमारे डिपार्टमेंट में पहले ही बहुत शक हो रहा है लोगों को और इस सिलसिले में काफी गहमा गहमी है। तब नेता, अरे जैसे ही बैंक की चोरी हो जाएगी तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, चिंता ना करो, उन पैसों को लेकर तुम अपनी नौकरी से रिजाइन करो और आराम से जिंदगी बिताओ। कहकर हंसने लगा। आशुतोष, अरे आप हंसना बंद करो और जो काम होना है उसे देखो। अरे साथ वाले कमरे के टॉयलेट में से एक सुरंग निकलता है, मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि गब्बर इस सुरंग से सीधा बैंक के लॉकर रूम में जा पहुंचेगा। तब नेता, ओ धन्यवाद जेलर साहब, गब्बर कोई भी बैंक का लॉकर खोल सकता है, जैसे ही लॉकर खोलकर पैसे लूटेगा हमारे आदमी हमारे अड्डे में पहुंचा देंगे उन पैसों को, फिर गब्बर दोबारा जेल पहुंच जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, कहकर चला गया। प्लान के अनुसार गब्बर ने टॉयलेट के टैंक को हटाकर उस सुरंग में से सीधा बैंक के लॉकर कमरे में पहुंचा, लेकिन वहाँ पुलिस उसका स्वागत करने के लिए एकदम तैयार थे। उन्होंने गब्बर को गिरफ्तार किया और फिर जैसे ही पुलिस की लाठी पड़ी गब्बर अप्रूवर में बदल गया और जेलर और नेता की सारी पोल खोल दी। तब पुलिस ने जेलर आशुतोष और नेता को गिरफ्तार किया और उन्हें अंडमान के जेल में पहुंचा दिया। डीजीपी के दफ्तर में डीजीपी, वेल डन बिल्ला, आप दोनों ने संतरी भीम के साथ मिलकर जो नाटक रचाया वो काबिले तारीफ है, थैंक यू। तब बिल्ला रंगा और भीम ने डीजीपी को थैंक्स कहकर सल्यूट मारा।